वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग रहने वाली है एंड काफ़ी सारी अच्छी अपडेट्स आज की वीडियो में रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले यार आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड 125K में आप लोगों को बहुत ही बड़ी एक न्यूज़ देने वाला हूँ। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है इंडिया एंड कोरिया की सीरीज़ को लेकर। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे को एक टूर्नामेंट देखने को मिलने वाला है कोरिया एंड इंडिया के बीच में, जहाँ पर हमारे को 8 टीम्स फ्रॉम कोरिया एंड 8 फ्रॉम इंडिया देखने को मिलेंगी। एंड इससे रिलेटेड हमारे को एक अपडेट देखने को मिली PMPL अपडेट्स के पेज पे, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि ऑफलाइन मोड में हमें देखने को मिलेगा, ये एंड ऑफ अक्टूबर में हमें स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। एंड इस चीज के ऊपर जो फिक्स है उन्होंने रिएक्ट करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख लो। चेक PMPL अपडेट्स पोस्ट, ऑफलाइन होगा कोरिया वर्सेस इंडिया। आई मीन ये तो पहले ही अनाउंस था, अच्छी बात है। आई सॉ लाइक दिस वाज इन स्पेकुलेशंस कि होने वाला है, सही चीज है यार। मतलब फाइनली दैट BGMI थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहा है, हम बाकी रीजन्स के अगेंस्ट भी खेल सकते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन? उसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है क्रॉन्टन को लेके। तो जो क्रॉन्टन है उन्होंने बात करी थी रीसेंट मैटर के ऊपर लॉल्स की स्ट्रीम पे, साथ में उन्होंने कुछ लोगों को रिप्लाई करा, तो उन्होंने इस पे एग्जैक्टली क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। बस जिनको बजना है ना, जितने लोगों को बजना है, बस इतना याद रखो तो फैमिली फैमिली है और लाइफ टाइम फैमिली। अच्छा एक नाम, अब इस चीज में मुझे समझ में आ गया कि जिन जिन लोगों ने बोला क्या बोला किसके बारे में, सब दोगले इंसान हो गए ना भाई। ओपन खत्म ना बच्ची, बस बस अभी अभी इतना ही रख, अभी कल के लिए थोड़ा रख। अभी क्या? नहीं नहीं बस कहाँ पे, वही वही लोकेशन ये लोग अपनी टीम में, तो इस पे उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। अल्ट्रॉन को बेंच करके एस पावर खरीद लो। अच्छा अल्ट्रॉन को बेच के एस पावर को खरीद लेते हो क्या? ठीक है ब्रो, तुम्हें लगता है कि वो इक्वलाइज होगा? मतलब यू नो मैं अल्ट्रॉन को बेचने पे ये और फिर मेरे को एस पावर खरीदना पड़ेंगे वो। अल्ट्रॉन अगर परफॉर्मेंस, यार अल्ट्रॉन का भी परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत डाउन चल रहा है, क्या करें, ओवरऑल टीम का ही डाउन चल रहा है, तो अल्ट्रॉन का भी डाउन चलेंगे। बट आई होप कि वो लोग ने एक स्वीट पॉइंट ढूंढ के यू नो ये BGIS के परफॉर्मेंस जो है उसमें अप करके दिखाए। बस पिछली बार एक बार अल्ट्रॉन ने निकाला है वैसे तो एक राउंड, सो और एक राउंड तो जोकर ने भी निकाला है, तो आई एम होपिंग कि इस बार दोनों मिलके ये लूजर्स ब्रैकेट के राउंड जो है निकाले। बस इसके बाद बात करें वन ब्लेड के बारे में, तो उनका हमारे को फेयरवेल पोस्ट देखने को मिला है, वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो माया भी उन्होंने एक पोस्ट करा जहाँ पे उन्होंने लिखा था कि वो इस कम्युनिटी का पार्ट है पिछले 2.5 साल से, एंड उन्होंने कास्टर से स्टार्ट किया था अपना करियर, वो कोचिंग कर रही है, एंड जो भी उन पर करंट में एलिगेशन लग रही है टीम माया भी के ऊपर वो सब बेसलेस है। जहाँ पे उन्होंने बोला था कि उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन करी है, उनके पास सॉलिड प्रूफ है जिससे वो ये सब क्लियर कर सकते हैं, एंड वो सब प्रेजेंट भी करने वाली है BGIS के बाद में, क्योंकि उनका भी जो मेन फोकस है वो टूर्नामेंट पे है। जहाँ पे उन्होंने था कि इतने सारे प्रेशर के बाद भी जो टीम है वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है, तो अब उनको यार हेट मत दो, सारे लोग सपोर्ट करो, उनका पोस्ट आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो मॉडल है उनसे काफी लोग बोल रहे थे कि जो सोल है उनको एक एनालिस्ट की जरूरत है नए, इस पर उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख लो। भाई आई फील इट्स हाई टाइम वी शुड हैव न्यू एनालिस्ट, कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट इज नीडेड, अदर टीम्स हैव बीन इंप्रूविंग अ लॉट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी। थैंक यू सो मच मॉन्स्टर फॉर द 100। That is something like the team will decide, don't worry about it. Like अभी सब कुछ सही है फिलहाल टीम के बीच में, and plus you feel, so it's okay, you feel that way, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आप इसके बाद जो डायनो में उन्होंने भी बात करी गॉडलाइक के लाइनअप से रिलेटेड, जिसपे उन्होंने बोला था कि मे बी ये प्रैंक भी हो सकता है, तो वो वाली क्लिप आप लोग देख लो। जो थॉट्स ऑन गॉडलाइक डिसबैंड है ना ब्रो, मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये एक प्रैंक होने वाला है। I don't know why. Like it's just me. Okay. Like मुझे ऐसा लग रहा है कि ये prank है, and maybe शायद ये लोग shuffle कुछ करेंगे अच्छा सा, और maybe शायद ना एक कुछ अच्छा like एक अच्छा कुछ comeback वगैरह बता देंगे। Maybe मेरे को ऐसा लगता है। बाकी अगर कुछ changes है तो जब भी कोई changes होते हैं guys तो अच्छे के लिए changes होते हैं। हमेशा आप ये सोच के चलो कि if changes are happening
then that is for, you know, for something good, right? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बट देखते चलो, hope for the best यार. इसके बाद जो हेड्स है उन्होंने अपनी स्ट्रीम पे बताया था कि वो कुछ कास्टर्स को साइन करने वाले हैं. इसके बाद उन्होंने ये भी बताया था कि जो ओरेंगोटन है वो एक्सपेंड करने वाली है. उन्होंने ये भी बताया था कि अगर सब कुछ सही रहा तो हमारे को नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ये सब देखने को मिलेगा. तो उनकी वो वाली क्लिप आप लोग देख लो, कौन कौन आने वाला है, कौन कौन साइन होने वाला है. सो या दैट वन स्टेप विच इज गोइंग इन द बैक एंड. सो या एंड या वन मोर थिंग, कमिंग टू कैस्टर्स हम लोग वी आर साइनिंग अ लॉट ऑफ कैस्टर्स. तो आई थिंक कुछ लोग को ऑलरेडी आइडिया है कौन कौन आने वाला है, कौन कौन साइन होने वाला है. सो या दैट वन स्टेप विच इज गोइंग इन द बैक एंड. सो या OGCS लाइनअप, अपने पास ऑप्शन था CS लाइनअप का इंडिया में, बट वी चूज नॉट टू गो फॉर CS राइट नाउ बिकॉज अपना कुछ बड़ा प्लान चल रहा है. So you know we are looking to expand in Europe for CSGO and Dota. तो उसके लिए बहुत ही मोटा मोटा पैसा, बहुत बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा. I think I believe hi Roxanne, hi. So I believe somewhere around 4 to 5 million dollars per year for one game. वो बहुत ज़्यादा पैसा है. इंडिया में हम लोग पैसा डाले बहुत, बट बाहर उससे भी बहुत ज़्यादा डालना है. तो उसके लिए वे जस्ट वेटिंग ऑन सम कॉल्स, यू नो, अपना इंटरनल भी कॉल से बोर्ड मेंबर से अप्रूवल चाहिए वो सब. सो यू नो स्टफ. इसके बाद काफी लोग जो फिक्सेस हैं उनसे पूछ रहे थे कि हमारे को BGS के बाद कौन सा टूर्नामेंट देखने को मिलेगा. तो इस पे उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं. कब आएंगे BGS कास्ट करने हिमांशु भाई? वो ओशन भाई को पता है नेक्स्ट टूर्नामेंट कब है. आई थिंक BGS के बाद मे बी होपफुली PMGC. तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा. तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना.